आधा उल्टी आता है, ज़्यादा चलने से थकावट लगता है, सांस लेने में दिक्कत होता है। इससे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरा स्कूल और मेरा पढ़ाई पे असर हुआ है। इससे मैं पढ़ाई कर नहीं पाया इसकी वजह से। सिकल सेल डिसीज, जैसे कि हम सब जानते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ हेमोलिटिक एनीमिया। इसमें ब्लड सेल्स जो हैं वो एबनॉर्मल शेप होने की वजह से टूटने लगती हैं। सिर्फ जेनेटिक डिसऑर्डर, ये जीन्स में ही मौजूद कुछ कमियों की वजह से, एक छोटी सी एक कमी होती है उसकी वजह से जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, जिनका मुख्य काम है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, वो नॉर्मल शेप की नहीं हो पाती हैं। तो नॉर्मल शेप नहीं होने के कारण वो सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। तो कुल मिला के इसके दो इम्पैक्ट होते हैं हमारे शरीर में। एक, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, एनीमिया की तरफ जाते हैं पेशेंट्स, और अत्यधिक मात्रा में आरबीसीज के टूटने के कारण शरीर के ऊपर आयरन एंड प्रोटीन का लोड बढ़ता है, जिससे कि आयरन ओवरलोड के सिम्टम्स और दूसरी जो है पीलिया के सिम्टम्स आते हैं। इट इज कंट्रोलेबल, इट कैन बी, द साइड इफेक्ट्स एंड द क्राइसिस स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बट नॉट कम्प्लीटली ट्रीटेड। ऐसे इसमें दो तरीके के पेशेंट हमारे पास आते हैं, एक कैरियर स्टेज में होते हैं और एक डिसीज होते हैं। तो उनको फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की कमी होना, ब्रेथलेसनेस होना, बॉडी में स्वेलिंग आना, और फोरमोस्ट सबसे ज़्यादा हमारे पास जो पेशेंट पहुँचते हैं वो जॉन्डिस यानी कि पीलिया की कंप्लेंट से पहुँचते हैं। इसको देख रहे हैं तो मेरे बच्चों के भविष्य के बारे में सोच के समझ के जो भी दानदाताओं को देने का, जो भी देने का मतलब इलाज हेतु जो भी देने का, मदद करने का मैं आह्वान कर रहा हूं उन लोगों का कि जो भी हो सके आप लोगों से सहयोग राशि चाहता हूं, जो कि मेरे बच्चों का भविष्य को बना सकूं। मेरे से तो जितना हो रहा है कर रहा हूं, लेकिन नहीं के बराबर है, क्योंकि इलाज इसमें कुछ हो नहीं पा रहा है, संभव नहीं है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से मदद चाह रहा हूँ।